यस गुड मॉर्निंग नाइन्थ बी। आज आपा विरोधी शब्द करने ने, ठीक है। और थोड़ा टेस्ट है बच्चे, कल गूगल फॉर्म से 2 बजे ही थोड़ा टेस्ट होएगा। टाइमिंग सेम रहेगी बिकॉज ऑनलाइन थोड़ा टेस्ट होना है। ओके सो सिलेबस है वहमित आया किता हुए हैं आपा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी किते हुए ने। और शुद्ध करो, शुद्ध करो दी भी असाइनमेंट मैं थानू करवा चुकी हुई हूँ। 2 दिन असं शुद्ध करो ते ही लगाए सके, ठीक है। लास्ट दे 5 मिनट मैं थानू पूछांगी तो तुसी ओदे आंसर्स देने ने, ठीक है। सो टेक आउट योर फेयर नोटबुक्स, विरोधी शब्द राइट। तुसी फिलहाल कोई 5 या कोई 10 विरोधी शब्द कर लो। ओके कल कल तो नहीं, सैटरडे साडा पीरियड है। सैटरडे मैं विरोधी शब्द के नाल असाइनमेंट करावांगी कि किस तरह एमसीक्यूज विच आ सकते हैं। सो मिलनप्रीत साडा जिहड़ा सिलेबस है वो एमसीक्यूज विच आएगा। फाइनल जिद्दां भी होएगा वो तुहानूं मैं दस दवांगी, राइट। बट आपां सब्जेक्टिव वे दे नाल भी तैयारी करनी है, मैं थोनों पहला ही क्लियर की है गल, ठीक है। सो देखो पेज नंबर 71 वी हैव डन ऑलरेडी, पेज नंबर 72, पेज नंबर 72 कोई 10 का लिख लियो, जरूरी नहीं तुसी सारे ही नोटबुक ते लिखने ने, बाकी बुक विचो ही कर लो, ठीक है। सो विरोधी शब्द होंगे की हन, जसरूप जसरूप अज उन्हां दे टर्न जिहड़े कदी नहीं बोलते। जसरूप विरोधी शब्द की होंगे हन, कदों तो करते आ रहे हो, फोर्थ तो। हाँ जी इंग्लिश विच नहीं दसना वो मैनू पता है, ओदा मतलब विरोधी शब्द नूं आपां कहिंदे की आ। उदा दसो विरोधी शब्द हुंदा की है, आपां करदे आंदे पए आ, फोर्थ तो कर रहे हैं, है ना। सो स्पीक लाउडली, विरोधी शब्द बेटा कहंदे कि नु आपा, ये तो बहुत इजी से सवाल है, सब तो सौखी डेफिनेशन। अयान कोली विरोधी शब्द, वेरी गुड। किसे शब्द दा उल्ट अर्थ रखन वाले नु आपां की कहंदे हां, विरोधी शब्द। अगर किसे नु विरोधी शब्द दी डेफिनेशन नहीं पता, नाइन्थ विच आके, ठीक है, सो नु करया करो। ए नहीं है तुहानू पहले क्या, हर एक चीज आपां क्रैमिंग नहीं करनी हैगी, ठीक है। ओदा मीनिंग भी तुहानू पता होना चाहिदा है, राइट। वैसे विरोधी शब्द दी डेफिनेशन नहीं आएगी बट यू शुड नो, है ना, ठीक है। ने हुन देखो फर्स्ट है आधुनिक, मतलब मैं तुहाडे तो ही पूछने ने की मतलब हुंदा है, अगर नहीं पता होएगा डोंट वरी मैं दसन लई तैयार हां तुहानू। आधुनिक, आधुनिक किहनू कहिंदे ने, मॉडर्न, ते ओहदा ऑपोजिट प्राचीन, प्राचीन मतलब ठीक मतलब पुराने समय वाला, ओके। सेकंड है आलसी, आलसी लेजी पर्सन, ठीक है, चुस्त, ओ सुस्त चुस्त हुंदा। आप जो विरोधी शब्द करते ना आप राइमिंग देखते हैं, ठीक है ना। हुण आप आलसी दा चुस्त नहीं लिख सकते, ओ चुस्त दा सुस्त हुंदा। आलसी उद्यमी, उद्यमी का मतलब की है, मन्नत, उद्यम करने वाला किनू कहते हैं, एक्टिव पर्सन, मेहनती, है ना, आप मेहनती भी बोल देने उन्हों। नेक्स्ट आसान, अच्छा देखो मैं सही लिख रही हूँ कि मैं गलत लिख रही हूँ, जसरूप सही है, इनू कटना है, राइट। सुहार्थ ना दे नाल तुसी अलर्ट रहना है, मैं कितों कुछ भी पूछ सकती हूँ, राइट। स्पेलिंग गलत भी हो सकते ने मेरे, तुसी मैं दसना है कि थोड़े स्पेलिंग गलत नहीं, ओके। आसान दा ओके, मुश्क एदा नो, ओके वेरी गुड। सो मुश्किल, ठीक है, ये हुण हट चुका है। जिदा आप कल किया ना, धार्मिक समाजिक
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਵਨ ਫਸਟ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਯੈਸ ਅਸ਼ਮਿਤ ਨਾਗਪਾਲ। ਮੈਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੇ ਕੇ ਸਾਥ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਤੀ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਕੱਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਟ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਕਾਸ਼, ਆਕਾਸ਼ ਅਸਮਾਨ ਧਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਗਿਆ ਬੇਨਤੀ, ਆਗਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਬੇਨਤੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ। ਆਮ ਖਾਸ, ਖਾਸ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ, ਬਿੰਦੀ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਮਦਨੀ ਖਰਚ, ਆਮਦਨੀ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ, ਅਰਨਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਖਰਚ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ ਓਨਾ ਹੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਧਾ ਪੂਰਾ, ਔਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਔਖਾ ਹੈ, ਔ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਹੈ, ਔ ਮਤਲਬ ਕਨੌੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਨੌੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੋੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਨੌੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਓ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਨੌੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਔ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਔਂਤਰਾ ਮਤਲਬ ਔਂਤਰਾ ਸੌਂਤਰਾ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਐਨੀਵਨ? ਔਂਤਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੌਂਤਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਅੰਤਲਾ ਆਰੰਭਿਕ, ਅੰਤਲਾ ਮਤਲਬ ਐਂਡ, ਆਰੰਭਿਕ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਹਲੇ, ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੰਬਰ ਧਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਸੁਜਾਖਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਈਸਾਈਡ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੜਨਾ ਟਲਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਅੜਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅੜ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿੱਦ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟਲਣਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਜਾਣਾ। ਈਰਖਾ ਇਕਹਿਰਾ, ਇਕਹਿਰਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ, ਦੋਹਰਾ ਮਤਲਬ ਡਬਲ, ਗੁੱਡ। ਇੱਜ਼ਤ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਏਕਾ ਜਾਂ ਏਕਤਾ, ਫੁੱਟ, ਫੁੱਟ ਮਤਲਬ ਹਾਂ। ਇਸਤਰੀ ਇਕਰਾਰ, ਇਕਰਾਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਹਨਾ, ਮੰਨ ਜਾਣਾ। ਇਨਸਾਨ ਇਤਬਾਰ, ਬੇਇਤਬਾਰੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੇਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਲਿਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਸਤਾ, ਸਕਾ ਮਤਰੇਆ ਮਤਲਬ ਪਰਾਇਆ, ਸੱਖਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਕੀ,
सही विरोधी शब्द चुनो, ठीक है। मान लो थानू चार ऑप्शन आ गया, खाली आ गया, भरिया तो थानू पता ही है, हुण आंसर तो आ गया थोड़े सामने, ठीक है। भरिया, अद्धा, पूरा, फिर भरिया तो हो ही गए होगा, सखना मतलब खाली हुंदा, ठीक है। सो सखना दा खाली ना लिख दियो। सखी, सूम या कंजूस, सखी मतलब जिहड़ा खर्चीला हुंदा है, ठीक है। कंजूस मतलब जिहड़ा खर्चीला नहीं हुंदा। सच, सज्जर, एदा की मतलब है सज्जर तोकड़। रमनीक, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सज्जर तोकड़, लवलीना, नहीं, मिलनप्रीत, पता, हरगुन, सज्जर, सज्जर र दे नाल तोकड़। ए ना मज्जा दिया किस्मा ने जेड़ी दूध दिंदी है। सज्जर हुंदा है जेड़ी हल्ले सजरी सजरी सुई हुंदी है। सुनिया तुसी कदी मज जेड़ी है सू पई? नहीं सुनिया होएगा, शहरी है, है ना। हाँ, जो मतलब के ओ बच्चा हो जाता है, ठीक है, उस तो बाद विच जेड़ा दूध हुंदा है उनु आपा बौली कहने हैं। वो जेड़ी हुंदी है ना, वो बहुत ताकत वाली हुंदी है, ठीक है, उनु आपा कहने सज्जर। तोकड़ मतलब जेड़ी दूध ना दे सके, ठीक है। सत, सत, सच ते झूठ, ठीक है। सदीवी, थोड़ चिरी या वक्ति। सदीवी मतलब हमेशा रहने वाला, थोड़ चिरी मतलब थोड़े टाइम ले। सभ्या या असभ्या, सभ्या का मतलब क्या होता है? कदों तुसी कदी इन्हां दे मतलब समझे आ कि हुंदे की आ कि एदी पढ़दे रहंदे हो विरोधी शब्द रट्टे लगा लगा के? मतलब पुछे कदी? नहीं पुछदे, पुछना चाहिदा बच्चे। सभ्या मतलब सिविलाइज्ड पर्सन, ठीक है, जिन्हों मॉरल वैल्यूज का पता है। असभ्या जांगली, कई बार आप कहने ना बंदे नू इन्नी ज्यादा मैनर्स नहीं है, वो इन्ने एटिकेट्स नहीं है, आप कहने तो जंगलियां वांगू रहिंदा, मतलब वो चीजा है नहीं, उन्होंने पता नहीं है कि आप सोसायटी में रहना किदा है, ठीक है, वो आप वरतते हैं। या असभ्या कह सकते हैं, अनसिविलाइज्ड पर्सन। शराबी, सोफी का तो पता ही होएगा, ठीक है। सुतंत्र, सुतंत्र का मतलब पता है, परतंत्र का मतलब क्या होता है? किसी दे अंडर काम करना, गुड। सड़ियल, रोंदो, साडा, साफ, साथी, सियाणा, सीत, सीत मतलब निग्गा, मतलब निग्गा गर्म थोड़ी होता है, कोजी कोजी जो होता है। स्वादी, सुहागण, विधवा भी लिख सकते हो, दुहागण भी लिख सकते हो। सुस्त हुण इत्थे आएगा, हैवन पत्रा, ठीक है। सुक्का, सुखी, सुंगड़ना मतलब श्रिंक करना, एक्सपेंड करना, ओके। सुचज्जा मतलब ठीक है, सुचज्जा अगेतर भी हो सकता है ना, सुदा अगेतर, ठीक है। सुचज्जा मतलब चंगे काम करने वाला, जिन्होंने कोई काम करने का चज है, कुचज्जा मतलब माड़े काम करने वाला। सुनिया, सुलखना मतलब सुलखना, सुलखना, ऑनलाइन स्टूडेंट, सुलखना पता है?
सुनिया अन सुनिया ओके अनुष्का मैम सोना नो सुलखना कुलक्षणा मतलब जेदे लेख हन चंगे होण भागा वाला होवे किस्मत वाला ठीक है कुलक्षणा मतलब जेदे लक्षण असी कह देंदे तेरे लक्षण जेडे हैगे चंगे नहीं हैगे लक्षण मतलब के ओ बद किस्मत है या ठीक है ओदी किस्मत चंगी नहीं है या ओ चंगा इंसान नहीं है क्लियर है नेक्स्ट सुला लड़ाई सफल सोका डोबा मतलब आनी है सफल असफल दे विच बेटा फो दे नीचे बिंदी आएगी ठीक है थोड़ी बुक विच नहीं है उन्हें सही कर लो सफल फो ते बिंदी सोका मतलब सोका मतलब जो सुकया होंदा सोका पै जांदा है जदों कोई पानी नहीं आंदा आपां कहिंदे सोका पै गया डोबा मतलब के पानी पानी हो गया सारे पासे सोग सोग दा मतलब दुख गम संखेप मतलब ठीक है ओके संखेप मतलब समरी जी दे देनी आपां विस्तार मतलब उन्हें पूरे तरह नाल एक्सप्लेन करना संगत संगाऊ मतलब वेरी गुड निचक मतलब जिदा हेजिटेट ना करता हो उदा चाका जड़ा खुल्या हुंदा है ठीक है चाका की हुंदा हुन कई बच्चे एदा दे हुंदे ने उना नू मतलब पता हुंदा है पर वो चकदे रहंदे ने टीचर दे नाल गाल करन दे विच ठीक है संगना संजोग मतलब संजोग यस पनिका बेटा एक जो तो आंसर देना होंदा ना तुसी अपनी वीडियो ऑन करया करो पहला ता यस मैम संजोग मेल संजोग मेल संजोग मतलब मेल थोड़े संजोग होए ने ठीक है आपा कहने हैं संजोग मिलदे ने ता ही सब कुछ होंदा है वियोग मतलब दूर हो जाना ओके गुड नेक्स्ट सांझ सांझ दा मतलब क्या होंदा शाम ते आपा जेड़ा अर्ली मॉर्निंग होंदा उनू की कहने आपा अर्ली मॉर्निंग तड़का हाँ गुड हुन सांझ दा भी तुहानू शुद्ध करवा सकता है ठीक है के ए वाला सही है या ए वाला सही है ठीक है सो छज्जे वाला नेक्स्ट सहमति मतलब ठीक है शांति सखत सज्जरा मतलब सज्जरा सज्जरा ते बेहा मतलब क्यों ना एदा हाँ वेरी गुड सज्जरी रोटी नहीं खांदे फ्रेश रोटी नहीं खांदे बही रोटी थोड़ी खांदे बही मतलब कि रात दी बनी हुई तुसी सवेर नू खाओ नू आपा बोल देने ठीक है फ्रेश नहीं है जो चीज नेक्स्ट सर्दी सजा सही सदाचार मतलब चंगा आचरण माड़ा आचरण शकल सवाल साफ साकार साकार ठीक है परमात्मा दा कोई साकार है परमात्मा की है निराकार उना दा कोई रूप नहीं है ठीक है उन्हों आपा कहने हाँ साकार एक तो उन्दा की सामने सानू स्पष्ट दिसदा परमात्मा सानू दिखदे थोड़ी सानू पता है कि
है ना अपत कहने की कारण कारण विच हैं सिद्धा हसना हक हत्या हनेरा हमायत विरोध ओनली विरोध विरोधी नहीं करना हमायती दा विरोधी होएगा ठीक है हलाल मतलब वैभव क्यों ना हक हलाल दी रोटी खाने हाँ लाल मतलब अपनी मेहनत दी रोटी खानी हराम मतलब गलत काम करके रोटी खानी ठीक है उन्हें आपा कहने हैं इदे नाल रिलेटेड है ना श्री गुरु नानक देव जी का भाई लालो है ना ओदे विच है हलाल ते हराम दी रोटी खानी आपा कहने मतलब अपनी मेहनत दे नाल कमाया होया धन हाजर हानी अगर इतने हानि की जगह से इस तरह होनी हो फिर तुम ए विरोधी शब्द की लिखोगे हानि की होंगे वेरी गुड साथी क्लासमेट्स विरोधी क्यों होगा यदा हानि वो तो नन्ना वो नन्ने के नाल है हानि लाभ ये हानि है हानि मतलब थोड़े क्लासमेट्स थोड़ी उम्र दे हानि दोस्त हानि का क्या हो सकता है ऑप्शन से मैं देखो हानि मान लो थानू आ गया एदी ऑप्शंस देखो मित्र दोस्त दुश्मन दुश्मन च की आएगा वैभव नन्ना आएगा कि नाना आएगा दुश्मन विरोधी की आएगा हानी दुश्मन होएगा मित्र नहीं होएगा दोस्त नहीं होएगा ठीक है नेक्स्ट हार हाल हाल बेहाल क्यों है तोड़े हाल बेहाल ने तोड़े बुरे हाल ने आपा कह रहे होछा गंभीर या ठहरिया मतलब होछा नहीं होछा नहीं होछा मतलब जेड़े पर्सन सुलझिया हुए नहीं है जेनू मतलब के कंफ्यूज्ड कह सकते हो कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी मतलब वो ठहरिया हुए इंसान नहीं है वो आपा कहने ना एक सुलझिया हुआ एक वेल पर्सनैलिटेड इंसान वो नहीं है होछा मतलब के ओनू कभी भी कोई काम ने समझ नहीं लगती को चीजा संभाल नहीं होंगी आप कहने ठहरिया हुआ मतलब के जिस तरह आप कहने ना यदा सुभाव बड़ा ठहरिया हुआ है शांत जे सुभाव का है ठीक है ओनू आप बोल दें हौला हंकारी या निमर हिंसा निमाना लिख लो निमर लिख सकते हो निमर भी ठीक है हंकारी का निमर हो सकता है सेकंड वाला होश हल्का हल्का गूढ़ा एदे विच जे अच्छा अगर पारा आ गया तो तुसी पारा भी लिख सकते हो वैसे ठीक है कस्या कह मतलब ठीक है कोई गल कह है उन्हों आपा एक्सप्लेन नहीं कर पाते कठोर कमाऊ कमी कमीना कपुत्तर मतलब बहुत वारी किता है थले एप्लीकेशन दे हरगुण सपुत्र मतलब चंगा पुत्र ठीक है काहला मतलब
ठीक है, काला मतलब जिन्हों हर एक काम दी काली पई रहती है, फटाफट धीरजवान हुंदा है, थोड़ा जिहा पेशेंट दे नाल काम करन वाला, ठीक है, उहदे विच पेशेंस हुंदी है, आराम नाल काम करता है। कारण कारीगर मतलब एक्सपर्ट, कोई स्किल्ड पर्सन। अनाड़ी मतलब जिन्हों नॉलेज ही ना होवे किसी काम दी। काला कुआरी, ठीक है, आज फिलहाल आपां यही करांगे पेज नंबर 72, बाकी नहीं करांगे। सिलेबस विच बच्चे सारे ही हन, ठीक है, दो पेज रह गए थोड़े होर। सो पेज नंबर 75 दी असाइनमेंट कर लिए, सिर्फ बुक उत्ते सॉल्व कर दे हां, ठीक है। देखो थोड़ी बुक ते पेज नंबर 75 है, सी ऑनलाइन स्टूडेंट्स दिस पेज 75, इनू तुसी सिर्फ अपनी बुक उत्ते ही सॉल्व करना है। जेदे कोल नहीं है कि कोई गल नहीं, ठीक है, पेज नंबर लिख सकते हो तुसी या सुन सकते हो, आंसर दे सकते हो, राइट। जिसन जेड़ी बुक लियानी होए करोगे मैं थानू मैसेज कर दिया करूंगी ग्रुप विच, ताकि थोड़े कोल फिर सारिया ना तुसी बुक्स लियाओ, ठीक है। हाँ जी, पहला देखो बेटा तुसी ना सही विरोधी शब्द दे सामने टिक लगाना है। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। उस्तत निंदिया, उस्तत करना की हुंदा है, वड्याई करना, किसे दी प्रेस करना, निंदिया मतलब बुराई करना। सानू निंदा करनी चाहिए है नहीं करनी चाहिए, हो गया। जिन्हां कोल बुक नहीं है और सिंपल लिख सकते ने उस्तत निंदिया। अंत आरंभ, आरंभ नहीं बोलना, आपा बोलना है आरंभ, कन्ना नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, आमदन खर्च, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, लिख लिया जी। मिलन डन। हार जीत, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट कुड़त्तन, मिठास, खुशी, गमी। नेक्स्ट मित्र, दुश्मन, गर्मी, सर्दी, सियाणा, बेवकूफ, या बेवकूफ की जगह ते मूर्ख हो सकता है तो तुसी ओनू टिक कर सकते हो। डरपोक बहादुर, डरपोक हिम्मती, ओ ड्राकल दा आएगा, ठीक है। नवीन पुरातन, चंगा कटिया, साफ गंदा, दिन रात, लास्ट खुश उदास, ठीक है। बाकी नहीं करांगे, बाकी है वैसे किन्ने का, चलो ये मैं थोनू ना सैटरडे नू करवाऊंगी, ठीक है, असाइनमेंट हो जाएगी, क्लियर है। बाकी जेड़ा पेज नंबर 74 है और थोड़े से 75 तो असी फेर कदी करांगे, ठीक। हां जी, एनी डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस अश्मित नागपाल। मैम आलसी का उद्यमी होगा कि उद्यम होगा? उद्यमी, आलस का उद्यम हुंदा, आलसी का उद्यमी हुंदा। मैम फेर कॉपी भी कितने करने मैम? ये कोई 10 कर लो या सीधी असाइनमेंट ही कर लियो, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम, असाइनमेंट एदी मैं दोवांगी ना थानू, आपा सैटरडे करांगे,